अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड खान पॉइंट पे खुश आमदी दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर जहर पेरिंग पे ALI 3510 सी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों के ये जो है ऑडियो नहीं दे रहा, तो ये मैं आपको चेक करवा दूं। ये देख ले, मैंने ऑडियो और वीडियोस की पिनें भी लगा कर रखी हुई हैं ये अपनी LED TV पर, और इसके अलावा मैं आपको वॉल्यूम भी इसका चेक करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, मैंने इसका वॉल्यूम जो है फुल ऑन पे रखा है। मैं ज़्यादा देर नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू भी पड़ जाता है। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल ही ऑडियो नहीं। तो इसके बारे में दोस्तों, आपको ओरिजिनल रिपेयरिंग और जुगाड़ दोनों जो हैं ये इकट्ठे साथ ही शेयर करूँगा और डिटेल के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। दोस्तों, वीडियो कम्प्लीट देखना ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो कि इस तरह का फॉल्ट जो है यूं रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं अपने कैमरे को करता हूं महफूज, और महफूज करने के बाद आपको ऑलरेडी बताता हूं कि कौन से फॉल्ट जो हैं ओरिजिनल होते हैं और जुगाड़ पे कैसे ऑडियो बनेगी। तो दोस्तों, ये देख लें कि ये हमारा ऑडियो वाला जो प्रॉब्लम है वो कौन सी जगह पर बनता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि सबसे पहले जो है यहाँ पर देख लें, एक रेजिस्टेंस होती है ब्रीक सी R49 वाली, और इसके अलावा जो है यहाँ पर ऑडियो वाले पॉइंट जो हैं जहाँ पिनें लगती हैं इसके नीचे एक ट्रांसिस्टर होता है H1A का, और इसके अलावा जो है मैं आपको जुगाड़ भी बताऊँगा कि इसमें ऑडियो अगर ये समझ में ना आए आपकी रिपेयरिंग में तो आप जुगाड़ के ज़रिए जो है डायरेक्ट ही इसकी ऑडियो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देख लें कि ये R49 वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमारे 15 वोल्टेज आते हैं, बल्कि मैं आपको डैशबोर्ड के ज़रिए समझाता चलूँ कि सबसे पहले जो है ये R49 वाली रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमारे 15 वोल्टेज आते हैं, और दूसरी तरफ भी तकरीबन 10, 12 या 13 वोल्टेज जो है शेयर करती है ये रेजिस्टेंस। तो अगर ये R49 वाली रेजिस्टेंस जो है ये डेड हो जाए तब भी जो है इसी तरीके का प्रॉब्लम हमें मिलता है। और इसके अलावा रहा दोस्तों के यहाँ पर जो ट्रांसिस्टर है ऊपर H1A वाला, अगर ये डेड हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो तब भी जो है ये मिसाल के तौर पे ऑडियो में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर दे देता है। तो अभी हमारा फॉल्ट कहाँ पे बन रहा है और इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे दोस्तों, मैं आपको इंशाल्लाह ऑलरेडी बताता हूँ कि सबसे पहले जो है मैं अपने मीटर को रखता हूँ आपके सामने। ये रहा मीटर दोस्तों, और हमारा फॉल्ट जो है अभी जहाँ पर बन रहा है मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर मीटर को रख लूँ ताकि आपको जो है आसानी के साथ समझ में आ सके जी। तो दोस्तों, ये देख लें कि हमारी जो R49 वाली रेजिस्टेंस है वो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, और उसके बाद ये सबसे नीचे देख लें ये R49 वाली रेजिस्टेंस जो कि मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ। तो ये देख लें दोस्तों, ये हमारी रेजिस्टेंस जो है ये ओके और क्लियर है। और इसके बाद रहा दोस्तों ये 1H वाला जो ट्रांसिस्टर है, हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे जी। दोस्तों, आपको ये बताता चलूँ कि ये मैंने जो ओल्ड मीटर है ये मैंने ब्लैक वायर बाएं तरफ और रेड वायर दाएं तरफ पकड़ ली। तो ये ट्रांसिस्टर जो है इसके नीचे लगा कर चेक करते हैं कि ये ओके है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये देख लें दोस्तों, ये अभी जो 1H वाला ट्रांसिस्टर है ये अभी डेड है। ये मैं नीचे वाले पॉइंटों पर लगा रहा हूँ, ये आप सामने देख लें, और इसके अलावा मैं ऊपर वाले पॉइंट पर भी लगा कर आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आप दोस्तों की जो है तसल्ली हो जाए। तो अभी दोस्तों, ये देख लें यहाँ पर भी तकरीबन थोड़ी सी नाजुक जगह है यहाँ पर, तो अटैचिंग में दुश्वारी पड़ रही है। ये देख लें दोस्तों, ये अभी अपनी वैल्यू जो है शो करा दी है इसने,
लेकिन ये नीचे वाले पॉइंट पर जो है कन्फर्म आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल कंप्लीट, ये देख लें ये अभी शॉर्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मसला इसी का ही है। इसके साथ सेम टू सेम दूसरी तरफ वीडियो की तरफ जो है ये भी 1 AM वाला ट्रांसिस्टर होता है, जो कि मैं आपको इस पर इसकी वैल्यू चेक करवा दूं। ये देख लें दोस्तों, ये अभी ओके और क्लियर है, ये आपके सामने रहा। ये मैंने नीचे वाले पॉइंटों पे उसी तरीके से लगाया, ये बिल्कुल ओके और क्लियर है। इसके बाद ये रेड वायर जो है ये मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, ये भी आप चेक कर लें कि यहाँ पर भी हमारा जो है वोल्टेज ये ओके और क्लियर है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है ये H1A वाला जो है यहाँ पर ट्रांसिस्टर आउट हो चुका है, जिसकी वजह से ये ऑडियो नहीं निकाल रहा। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, मैं मीटर को हटाकर आपको बताता हूँ कि यहाँ जो 1H वाला रजिस्टर ट्रांसिस्टर है इसको निकाल कर यहाँ पर 1 AM वाला लगा देंगे, ये ओके और क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप नहीं रिपेयर कर सकते तो ये नीचे देख लें, इसके यहाँ पर C76 लिखा हुआ है जिस कैपेसिटर पर, इसके आप दोनों तरफ से जहाँ भी इसकी जंपर एक उठाकर इस ऑडियो वाले हिस्से पे जब भी लगाएंगे ये अपनी ऑडियो देने लग पड़ेगा, लेकिन ये ऑडियो जो है ओके और क्लियर नहीं होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।